नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। क्रिसमस आते ही सबको सेंटा क्लॉस का इंतजार रहता है। मान्यता है कि इस दिन सेंटा आएगा और सबके लिए गिफ्ट लाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सेंटा आखिर कहां से आता है? उसका क्या कोई असली घर भी है? अगर नहीं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सेंटा का घर भी होता है। इसी घर के एक हिस्से में एक डाकघर होता है, जहां इसे दुनिया भर के बच्चों को खत के जरिए पूछा जाता है कि उन्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। इस पोस्ट ऑफिस का सारा कामकाज सेंटा के साथ रहने वाले एलफ संभालते हैं। एलफ्स के बारे में आप जानते ही होंगे। अरे वो ही छोटे कद के जादुई लोग जो कि सेंटा की दुनिया का हिस्सा होते हैं और सेंटा के साथ खुशियां बांटने का काम करते हैं। दरअसल सेंटा क्लॉस का घर बर्फीले इलाके में है, जहां लगभग पूरे साल ठंड रहती है। सदियों से सुनाई जा रही कहानी में भी सेंटा यहां से ही बच्चों के लिए अपनी स्लेज में गिफ्ट लेकर निकलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंटा यहां पर अकेले नहीं, बल्कि अपनी पत्नी और अन्य कई सारे एलफ्स और रेंडियर्स के साथ रहते हैं। ये उनके सबसे करीबी माने जाते हैं। उनका घर भी काफी बड़ा है। इसको सेंटा डेन भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि सेंटा की निजी जगह। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेंटा का घर दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में शुमार फिनलैंड में है। फिनलैंड के रोवेनेमी शहर में बना सेंटा का घर क्रिसमस के मौके पर बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। बर्फ से ढका ये घर लाइट जलने पर जगमगा उठता है। यहाँ पर एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री जगमगाती लाइट दिखाई देती है। सेंटा का घर सिर्फ इसलिए खास नहीं है क्योंकि यहाँ से वो गिफ्ट लेकर निकलते हैं, बल्कि इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ हाथ से सामान बनाने की भी एक जगह है। यहाँ पर एलफ सेंटा के चहेते बच्चों के लिए कई तरह के ग्रीटिंग कार्ड समेत कई सारे गिफ्ट तैयार करते हैं। इसी घर में रहती है एक प्यारी सी लड़की मैगी, वो भी सेंटा जैसी टोपी पहनती है, जिसे ज्वेलरी नेकलेस समेत कई तरह की दूसरी चीजें बनाने का बड़ा शौक है। आपको बता दें कि फिनलैंड के अलावा चीन के सुदूर उत्तर के मोहे में भी सेंटा क्लॉस का एक घर मौजूद है, लेकिन यहाँ भी सेंटा अपनी फिनलैंड वाले घर से ही जाते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए और मनोरंजन से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।